हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो है नई दिल्ली से बिलासपुर तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। दोस्तों, आगे मैं जो भी ट्रेन्स के बारे में बात करूंगा, अगर आपने उनमें से किसी भी ट्रेन में सफर किया है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ये वीडियो है वो है नई दिल्ली के सभी स्टेशनों से बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। नई दिल्ली से बिलासपुर के बीच में तकरीबन 11 ट्रेनें चलती हैं। एक जो है राजधानी ट्रेन है, 4 जो है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, और एक संपर्क क्रांति ट्रेन है, 2 सुपरफास्ट ट्रेन है, एक हमसफर ट्रेन है और एक अंत्योदय एक्सप्रेस है। नई दिल्ली से बिलासपुर तक जो भी ट्रेन चलती है उसके बारे में बात करेंगे कि उस ट्रेन का नंबर क्या है, नाम क्या है, कौन से दिन वो चलती है और कौन से स्टेशन से वो चलती है, कितने बजे चलती है और बिलासपुर जंक्शन में कितने बजे पहुँचती है, और उन ट्रेनों में कौन कौन से कोच हैं और कितनी दूरी वो कवर करती है, कितनी देरी में वो दूरी जो है कवर करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नई दिल्ली से बिलासपुर के बीच में जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, और जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है वो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं नई दिल्ली से बिलासपुर जंक्शन छत्तीसगढ़ तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी के बारे में। एक एक करके बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली ट्रेन चलती है नई दिल्ली से बिलासपुर जंक्शन के बीच में वो है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन भी है। ये ट्रेन जो है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। वैसे ये ट्रेन जो है अमृतसर से रवाना होती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो नई दिल्ली से बिलासपुर जंक्शन की बता रहा हूँ। नई दिल्ली के ये हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है रोज़ाना चलती है, डेली चलती है। सुबह 4:30 पर रवाना होती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म से, और 31:45 बाद बिलासपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:15 पर पहुंचती है और 31:45 पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 57 स्टेशंस हैं और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं और 1498 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है नई दिल्ली से बिलासपुर के पास उसलापुर के बीच में, वो है फिरोजपुर कैंट दुर्ग अंत्योदया एक्सप्रेस। ये अंत्योदय टाइप की ट्रेन है, ये फुली अनरिजर्व ट्रेन होती है, LHB कोचेज वाली ट्रेन होती है। इस ट्रेन का नंबर है 22896। ये नई दिल्ली के दिल्ली सफदरगंज स्टेशन से हर मंगलवार को सुबह 7:40 पर रवाना होती है 1 नंबर प्लेटफॉर्म से, और बिलासपुर के पास उसलापुर में ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर 19:40 बाद रात के 3:20 पर पहुँचती है। इसके तकरीबन 10 स्टेशन से हर मंगलवार को चलती है, अनरिजर्व ट्रेन है, और ये जो ट्रेन है 1128 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है हीराकुंड या हीराकुंड एक्सप्रेस। हीराकुंड एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 18508। ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से हर इतवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को चलती है। नई दिल्ली से 8 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 8:10 पर रवाना होती है और बिलासपुर जंक्शन में ये 20:20 बाद सुबह 4:30 पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 18 स्टेशन हैं और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1140 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा कवर करती है, और ये जो ट्रेन है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसे ईस्ट साउथ कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और नई दिल्ली से ये हर इतवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को चलती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे नई दिल्ली से बिलासपुर के बीच में वो है हज़रत निज़ामुद्दीन दुर्ग हमसफ़र एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है इस ट्रेन का नंबर है 22868। ये हमसफ़र टाइप की ट्रेन है, इसमें सिर्फ थर्ड एसी के कोच होते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन से ये हर बुधवार और शनिवार को सुबह 8:25 पर चलती है और बिलासपुर के पास उसलापुर में ये ट्रेन जो है सुबह 3:20 पर पहुँचती है और 18:55 में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं और इसमें सिर्फ थर्ड एसी के कोच होते हैं। ये LHB कोचेस वाली ट्रेन है और सिर्फ थर्ड एसी कोच होते हैं, और ये जो ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन से उसलापुर की जो दूरी है ये 1123 किलोमीटर की कवर करती है। इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन से ये ट्रेन जो है 4 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और इसे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है वो है कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 18478। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। हज़रत निज़ामुद्दीन से ये रोज़ाना 2 नंबर प्लेटफॉर्म से 12:05 पे दोपहर को रवाना होती है और बिलासपुर में ये 22:40 बाद सुबह 10:45 पे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचती है। इसके तकरीबन 34 स्टेशन हैं और ये डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं और 1132 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। ये जो ट्रेन है हज़रत निज़ामुद्दीन से 2 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है
और बिलासपुर में ये दो नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है। कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस जो है वैसे हरिद्वार से पुरी के बीच में चलती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो दिल्ली से बिलासपुर की बता रहा हूँ। इसे जो है ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। इसके तकरीबन 34 स्टेशन हैं और उसमें सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है जम्मू तवी दुर्ग वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है जम्मू तवी से चलती है, बट जो अगर दिल्ली से बिलासपुर की डिटेल करें के बारे में बात करें तो इस ट्रेन का नंबर है 12550। दिल्ली के सफदरगंज जंक्शन से ये हर बृहस्पतिवार को दोपहर के 3:10 पर चलती है और बिलासपुर जंक्शन में ये दो नंबर प्लेटफॉर्म पे सुबह 11:15 पर पहुंचती है। 20 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन जो है 11 स्टेशन से हर बृहस्पतिवार को चलती है। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1137 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है और ये जो ट्रेन है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है और इसे ये दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली सफदरगंज स्टेशन से हर बृहस्पतिवार को एक नंबर प्लेटफॉर्म से चलती है और 20 घंटे 5 मिनट बाद ये बिलासपुर में दो नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 1137 किलोमीटर की दूरी जो है कवर करती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है नई दिल्ली से बिलासपुर के बीच में वो है हज़रत निज़ामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना एक्सप्रेस। गोंडवाना एक्सप्रेस जो है हज़रत निज़ामुद्दीन से हफ्ते में 5 दिन चलती है, हर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को ये चलती है। हज़रत निज़ामुद्दीन से ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म से दोपहर के 3:20 पर चलती है और बिलासपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 4:25 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है और 25 घंटे 5 मिनट में ये अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। और ये जो ट्रेन है तकरीबन 1498 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इस ट्रेन का नंबर है 124-10 और ये जो ट्रेन है सिर्फ इतवार और शुक्रवार को नहीं चलती, बाकी सारे दिन जो है चलती है और इसके तकरीबन 31 स्टेशन हैं। नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ये ऑपरेट की जाती है। ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और हज़रत निज़ामुद्दीन से ये दोपहर को 3:20 पर चलती है और बिलासपुर में ये 25 घंटे 5 मिनट बाद शाम के 4:25 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद जो अगली ट्रेन चलती है वो है राजधानी एक्सप्रेस। ये राजधानी एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 2 दिन चलती है। ये नई दिल्ली से बिलासपुर के बीच में सीधी ट्रेन है। नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस जो है हर मंगलवार और शनिवार को ये चलती है। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी कोच है। इस ट्रेन का नंबर है 124-42। नई दिल्ली के ये स्टेशन से दोपहर के 3:45 पर 15 नंबर प्लेटफॉर्म से हर मंगलवार और शनिवार को ये रवाना होती है और बिलासपुर जंक्शन में ये दोपहर के 12 बजे पहुँचती है। ये 20 घंटे 15 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है। इसके तकरीबन 10 स्टेशन हैं। अगर इसके कोचेस के बारे में बात की जाए तो ये फुली एसी ट्रेन होती है और इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी के कोच हैं और 1506 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसको नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करती है। उसके बाद जो सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है नई दिल्ली से बिलासपुर के बीच में वो है छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है हफ्ते में 3 दिन चलती है, हर इतवार, मंगलवार और शुक्रवार को ये चलती है। हज़रत निज़ामुद्दीन से ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म से शाम के 5:25 पर चलती है और 18 घंटे 30 मिनट में ये अपनी जर्नी जो है कवर करती है। बिलासपुर जंक्शन में ये सुबह 11:55 पर पहुंचती है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे और ये इसके तकरीबन 9 स्टेशन हैं हज़रत निज़ामुद्दीन से बिलासपुर के बीच में। अगर इसके कोचेस के बारे में बात की जाए तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 1132 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। उसके बाद नई दिल्ली से बिलासपुर के बीच में जो अगली लास्ट ट्रेन चलती है वो है जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस जो वाया अमृतसर होकर चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 182-16। ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है। नई दिल्ली से ये हर शुक्रवार को शाम के 7:05 पर रवाना होती है और बिलासपुर जंक्शन के बाद उसलापुर में ये शाम के 4:10 पर पहुँचती है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर और 21 घंटे 5 मिनट में अपनी दूरी जो है कवर करती है। अगर इसके कोचेस के बारे में बात की जाए तो जम्मू तवी दुर्ग एक्सप्रेस जो वाया अमृतसर होकर चलती है इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास के कोच है। 1130 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है ये कवर करती है। इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं और
ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर चलती है और उसलापुर में ही 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। दोस्तों इसी के साथ नई दिल्ली से बिलासपुर जंक्शन तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस वीडियो को के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने।